हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिबोसन मुखर्जी। आई एम ए फाइनल ईयर स्टूडेंट एट जादवपुर यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का कैसा तुम्हारा प्लान रहेगा। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एक फर्स्ट ईयर कैसे स्पेंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर है और ये टीयर वन हो सकता है, टीयर टू कॉलेज, टीयर थ्री हो सकता है, कोई भी कॉलेज के लिए ये तुम अगर फॉलो करोगे तो शायद तुम सही रास्ते में जाओगे अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो फर्स्ट ईयर का बहुत सारा चीज़ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये करना चाहिए ये करना नहीं चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट ईयर में तुम्हें करना चाहिए वो है यू हैव टू बिल्ड कनेक्शंस विद द सीनियर्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितना भी फैक्टर्स है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू बिल्ड कनेक्शंस विथ सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर्स, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर से कनेक्शंस बिल्ड करो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बाद में पता चलेगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। कनेक्शंस कैसे बिल्ड करोगे, ऐसा नहीं कि लिंक्डइन में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, वो कनेक्शन नहीं है। तुम जाकर खुद बात करो या फिर व्हाट्सएप में टेक्स्ट करो, मतलब लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ लिंक्डइन कनेक्शन नहीं। तो फिजिकल मीट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सीनियर से, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्लब्स वगैरह ज्वाइन करना कितना बेनिफिशियल है, ये एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर में मैंने देखा है कि लोग शुरू में ही फर्स्ट सेमिस्टर के शुरू में ही क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट घुसा है बहुत सारे चीज़ एक्सप्लोर करने का चक्कर में घुस जाता है। तो उसके बाद एकेडमिक्स का प्रेशर भी आता है और वो मैनेज नहीं कर पाता है क्लब्स और एकेडमिक्स। तो ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा मेंटलिटी है एक अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करना और कोई मतलब और कुछ से मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारा एक प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके मेंटलिटी में अगर तुम क्लब ज्वाइन करोगे तो तुम मत करना। मतलब तुम सोच रहे हो कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट लगेगा इसलिए मैं एक क्लब ज्वाइन करूँगा, ये मत करना। क्लब तभी ज्वाइन करना जब तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट है, कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ खुद का इंटरेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि क्लब ज्वाइन कर रहे हो इसलिए, मतलब क्लब ज्वाइन कर रहे हो ड्यू टू यू वांट टू गेट प्लेस्ड इन ए वेरी गुड कंपनी, ऐसा नहीं। खुद का इंटरेस्ट अगर है उसके बाद ज्वाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हारा मोटर स्पोर्ट्स क्लब है तुम्हारा कॉलेज में, वो तभी ज्वाइन करना अगर तुम्हारा वो सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है, नॉट बिकॉज यू नीड प्लेसमेंट इन फ्यूचर। तो प्लेसमेंट के लिए एज सच कोई क्लब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर कोई क्लब में नहीं है फिर भी अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर सकता है। लेकिन क्लब में घुसना एडवांटेज क्या है, कुछ कुछ जगह में एडवांटेज होता है, जैसे कि तुम अगर फ्यूचर में MBA करोगे तो तुम्हारा जो रिज्यूमे वो देखेगा, तुम कॉलेज में क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किए हो, तो ये मैटर थोड़ा बहुत करता है। वो भी थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है उसका, थोड़ा बहुत मैटर करता है कि तुम एक्स्ट्रा करिकुलर क्या किए हो। और अगर तुम्हारा फॉरेन में हायर स्टडीज़ करने जाओगे फिर वहाँ पर भी देखेगा तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हो। सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत एडवांटेज है कोई क्लब में ज्वाइन करने का। बहुत सारे लोग कोडिंग क्लब में ज्वाइन करते हैं, और देखो इंडिया में जितना भी कोडिंग क्लब है, जितना भी कॉलेज है, इसका मोस्ट ऑफ द कोडिंग क्लब ऐसा है कि वो लोग इवेंट, सेमिनार और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। एकदम स्क्रैच से तुम्हें कोडिंग नहीं सिखाएगा वो लोग। तुम सोच रहे हो कि मैं कोडिंग क्लब में घुस गया और मेरे को कोडिंग सिखा देगा पूरा स्क्रैच से, ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद का एफर्ट है। तो क्लियर हो गया क्लब्स के बारे में। नेक्स्ट है एकेडमिक्स, ये एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो बहुत सारे सीनियर्स ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर का एकेडमिक्स ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि फर्स्ट ईयर का वेटेज कम है। मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया जो CGPA का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम, सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मोस्ट ऐसा होता है फाइनल CGPA में। लेकिन जो ऑन कैंपस कंपनीज विजिट करते हैं कॉलेजेस में, जैसा भी कंपनी हो, 99% कंपनी, और मैं 100% ही मान सकते हो, 100% कंपनी तुम्हारा लीनियर एवरेज CGPA मांगेगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का वेटेज और फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर का वेटेज एग्जैक्टली इक्वल है इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट। जब तुम पास आउट हो जाओगे, फोर्थ ईयर खत्म होगा, उसके बाद जो CGPA देगा वो वेटेड एवरेज है, जो फर्स्ट ईयर का थोड़ा कम, सेकेंड में थोड़ा ज़्यादा, थर्ड ईयर में ज़्यादा, लेकिन लीनियर एवरेज
मतलब एग्जैक्ट सेम वेटेज है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हारा एकेडमिक्स थोड़ा घट गया तो तुम्हारा लीनियर एवरेज भी घट जाएगा। तो ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत सारे लोगों को होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर से एकेडमिक्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक रखना। मेरा खुद का एकेडमिक्स बहुत ही पुअर था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में मैंने एकदम पढ़ाई नहीं किया था, मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ था। तो मुझे भी ऐसा बोला गया था कि फर्स्ट ईयर का वेटेज कम है, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन पढ़ के चला जाए, ऐसा नहीं है। अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में भी एटलीस्ट 3 to 4 days पहले एग्जाम के पहले बैठो टू गेट अ डिसेंट मार्क्स, एटलीस्ट 3 to 4 days बिफोर एग्जाम। तो एकेडमिक्स हो गया, क्लब्स हो गया, और अब आता हो कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए फ्यूचर में क्या करोगे उसके हिसाब से। सो अगर तुम CSEIT डिपार्टमेंट से हो तो तब तुम्हारा ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तुम्हें कोडिंग करना ही होगा, कुछ और भी कर सकते हो जैसे कि MBA प्रिपरेशन ये सब कर सकते हो, लेकिन मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि तुम कोडिंग ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रांच CSEIT नहीं है, दूसरा कोई ब्रांच है, तो तब तुम जो करोगे वो फर्स्ट 2 months के अंडर, ध्यान से सुनना, फर्स्ट 2 months के अंडर तुम डिसाइड कर लेना कि तुम कौन सा फील्ड में जाओगे, कोर में जाओगे या फिर नॉन कोर में जाओगे या फिर हायर स्टडीज में जाओगे, फर्स्ट 2 months में ही डिसाइड कर लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि पूरा फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करो, नहीं, फर्स्ट 2 months में ही डिसाइड कर लेना, 2 to maximum 3 months। 3 months हो गया डिसाइड कर लिए, मान लो तो तुम कोडिंग लाइन में तुम ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस रखना और एक बैकअप प्लान भी रखना, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो अगर ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। तो ऑलवेज बैकअप प्लान रखना। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसा है कि कोडिंग करने का फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी है कि कंसल्टेंसी एनालिटिक्स, कुछ लोग है कि फर्स्ट में कोडिंग और बैकअप में कोर, तो ऐसा तुम कर सकते हो। कुछ लोग है कि फर्स्ट प्रेफरेंस है MBA, बैकअप प्लान है सॉफ्टवेयर जॉब, तो ऐसा तुम दो चॉइस तुम रखो, विद इन 2-3 months डिसाइड कर लो। अगर मान लो तुम कोर में ही, मतलब तुम डिसाइड कर लिए कि अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कैसे डिसाइड मैं करूँ कि मैं कोर में जाऊँगा या नॉन कोर में जाऊँ, तो इसका आंसर है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ध्यान से सुन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर कोडिंग इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मतलब कोई सा भी बैकग्राउंड हो तुम कोडिंग एक्सप्लोर करना, 2-3 महीने लगातार कोडिंग करना, लगातार। ऐसा मत सोचना कि मैं अगर बाद में कोडिंग नहीं करूँगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, हर चीज़ काम आता है। तुम अगर कोर में भी जाते हो फिर भी थोड़ा बेसिक कोडिंग तुम्हारा आना चाहिए, इसलिए फर्स्ट 2 months तुम पूरा कोडिंग करो, 2 months में भी तुम्हारा कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तब तुम स्विच कर लेना कोर में या फिर कुछ और में। तो तुम डिसाइड कर ले कि तुम कोर में ही जाओगे, और अगर तुम कोर में जाओगे तो एक हाई चांसेस है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम गेट देकर PSU भी ट्राई कर सकते हो। इसलिए तुम अगर गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो तुम अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हो गेट का प्रिपरेशन, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, जैसे कि मैथमेटिक्स किया, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड किया, ये फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर में उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम गेट का प्रिपरेशन ठीक से करोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आता है वो चीज़ कवर हो जाएगा, कुछ और ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज है वो बाद में तुम सीख जाओगे, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट का नॉलेज है वो अगर तुम गेट का प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है। और अगर कोडिंग करना चाहते हो तो एक अप्रॉक्सीमेटली रोड मैप मैं आगे इन फ्यूचर दे सकता हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और मशीन लर्निंग भी तुम सीख सकते हो बिकॉज इट इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। सो आइडिया थोड़ा बहुत हो गया कि फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, और उसके बाद मैंने इतना सारा चीज़ बोल दिया, मतलब इतना सीरियस चीज़ बोल दिया। बहुत लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में तो पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए, फेस्ट में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में तुम पूरा एक्सप्लोर करो, सब कुछ करो, लेकिन एकेडमिक्स ध्यान रखना, क्योंकि अगर एकेडमिक्स गिर गया तो लीनियर एवरेज में प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा खुद का हुआ है, ओके, कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में तुम्हारा प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ईयर में, और हाँ, फर्स्ट ईयर का प्रेशर थोड़ा कम होता है, इसलिए तुम स्पोर्ट्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, फेस्ट में भी जा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि तुम फेस्ट कुछ नहीं, सारा दिन सब पढ़ाई करो, ऐसा नहीं। तो अगर एग्ज़ाम के 3-4 days पहले बैठ कर ठीक कर अगर तुम पढ़ लिए तो डिसेंट नंबर आ सकता है, बाकी टाइम तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।